प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधन कर रहा है, सीधा जईशू। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है, लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है मोदी सरकार ने यह महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके, और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी, और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था, कोविड हॉस्पिटल क्यों, दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों, और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2,00,000 बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं, 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई, उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, यह चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं उनको लगाना चाहिए, इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का।
तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अप्रूव्ड प्रमोलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 इन द लाइट ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 एंड दिस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द होल हेल्थ फ्रैटर्निटी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स अप टू आशा वर्कर्स। एवरीबडी गेट प्रोटेक्टेड बिकॉज व्हाट वी हैव सीन व्हेन दे आर डूइंग ए योमन्स जॉब, व्हेन दे आर डूइंग द मोस्ट क्रूशियल ड्यूटी फॉर द कंट्री, एट सम प्लेसेस दे आर बीइंग अटैक्ड एंड सम प्लेसेस देयर प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड एंड एट मेनी प्लेसेस